प्रधानमंत्री के आह्वान पर ग्राम सभा भिडूकी के सहयोग से श्रमदान का आयोजन। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो हिसार द्वारा महासंग्राम पंचायत भिडूकी तथा शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में NVN सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिडूकी, SVN स्कूल भिडूकी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स पलवल तथा कपूर सिंह जन चेतना मंच भिडूकी सहयोगी संस्था के रूप में सहभागी रहे। श्रमदान में भिडूकी की सरपंच शशिबाला मुख्य सेवादार के रूप में उपस्थित रहीं। NVN स्कूल की प्राचार्य कुसुम चौधरी ने कहा कि हमें साफ सफाई की ओर और ज्यादा ध्यान आकर्षण करना होगा, क्योंकि बीमारियों का मूल कारण गंदगी है। वर्तमान समय में हमें स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाना होगा। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जिला संयोजक विष्णु गौड़ ने कहा कि सामाजिक शारीरिक तथा मानसिक स्वच्छता को धारण करने वाला स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। SVN स्कूल भिडूकी के प्रबंधक वीर सिंह ने भी उपस्थित विद्यार्थियों को स्वच्छता का संदेश दिया। नोडल अधिकारी दौलतराम ने विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए कहा कि हमें प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे तथा साल में 100 घंटे श्रमदान का संकल्प लेना चाहिए। श्रमदान की शुरुआत हमें अपने घर तथा आस पड़ोस से ही करनी चाहिए। इस अवसर पर ग्राम भिडूकी में सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग के लिए कूड़ेदान भी वितरित किए गए। मैं मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उनका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गाँव और गली गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूँगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूँ मैं अन्य सौ व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।